मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसकी शक्ल मुझे दोबारा देखने को नहीं मिलेगी आपके आपके पास। बहुत दांत कितने सुंदर हैं। नो इमोशन। ये हमारी दोस्त, मैंने अब बीएड का इंटरव्यू, इमोशनल मोमेंट है ये तो है, ये तो है, रोना भी आ रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आए हैं कॉलेज और आज हमारा लास्ट डे है, क्योंकि आज हमारा फाइनल ईयर का लास्ट पे एग्ज़ाम है, वो भी है म्यूज़िक का। और ये मेरे दोस्त पहले से ही आ चुके थे, क्योंकि ये बंदी वाले हैं हम सिंगल साहब, हम इसलिए लेट आए थे। और कैसी फीलिंग है, लास्ट डे है भाई, बंदी से बात कर, गजब बेइज्जती है। हमारी याद आएगी आपको। कौन भाई, नाम नहीं जानते आपको। हमारी याद आएगी आपको। फोन दे मेरा। हैं भाई, अच्छा, अपना फोन। अच्छा आज हमारा लास्ट डे है, तो आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, हम जुदा हो रहे हैं? हेलो, मेरी बात भैया फोन दिखा रहा है, एप्पल का फोन दिखा रहा है। आज हमारा लास्ट डे है कॉलेज में, आपको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, मतलब खुशी क्या हो रही है हमें बहुत ज्यादा, मतलब क्यों खुशी क्यों हो रही है? इस लास्ट बात की खुशी है कि आपका गंदा चेहरा हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। भैया मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा, मैं किसी और के पास आ रहा हूँ, किसी और के साथ बात करूंगा, ये दोनों मेरे बस की बात नहीं है, इनसे बात है। ये देखिए पीछे पीछे फिर से आ गए, चश्मा लगा रहा है, भैया क्या करे, ऐसे पागल दोस्त है ना मेरे। और ये रहा पीछे मेरा पूरा कॉलेज, पूरा गाइस, ये देखिए पूरा, इसके फोन में थोड़ा सा आ रहा पूरा कॉलेज। और अभी हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और फाइनली दोस्तों देखिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज कर रहा है, और हमारा दूसरा दोस्त गायब हो चुका है, किसी लड़की के साथ बातें कर रहे हैं, उसे मैं अभी नहीं दिखा सकता इसलिए। और ये देखिए ये भाई साहब कैसे जिम कर रहे हैं, ये देखिए। चलिए एक और हमारी दोस्त आई है, इनसे बात करते हैं। हेलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ? ठीक हो? चलो हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इतना ही पूछेंगे कि आज हमारा लास्ट डे है, आपका भी लास्ट है? हाँ जी लास्ट है। तो मतलब कैसी फीलिंग आ रही है, मतलब अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, कुछ इतना बताइए। कुछ नहीं लग रहा, मतलब बुरा भी नहीं लग रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा। ये देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं। और अब आइए यहाँ पर एक और लड़की है, सुंदर, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की। सिर्फ आपसे इतना पूछना कि आज हमारा लास्ट डे है कॉलेज का, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है, मतलब फिर नहीं मिलेंगे दोस्त, मतलब बुरा तो लगने लगेगा ना? नहीं नहीं लगेगा। तो इसके आगे क्या करोगे, मतलब आप विवाह? नहीं विवाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसकी शक्ल मुझे दोबारा देखने को नहीं मिलेगी आपके पास। हसदे चेहरिया का मतलब यही होंगे कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होंगी, उसका मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफों ना डील करना होता। बिल्कुल सही। नहीं क्या करोगे आप, ये बताओ? मैं क्या करूंगी, मैं वेट करूंगी पहले पेपर। वेट किसका? रिजल्ट का। अच्छा नौकरी है गाइस, चुप कर कुत्ता है सा। तो फाइन दोस्तों ये है हमारे एक कॉलेज में सर्विस करते, करू 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 मैं कॉलेज के लड़के हैं, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार, रुको जरा सब्र करो, करते हैं, मैं भी उनके उनके साथ प्यार करती हूं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मेरे जो बोना दे फिर बोलो, पहले मेरे जो को मेरे जो बीच में लड़की लड़के में सभी अच्छे है, कोई कोई बीच में ऐसी है कि लड़ाई झगड़ा करती है लड़के के साथ। हाँ लड़कियां है ना, लड़कियां सभी थोड़ी दो। नहीं मतलब आपको सर्विस करते कितना टाइम हो गया? 8 साल हुए मुझे अभी। 8 साल हो गए? हाँ। अच्छा आपको कितने साल हुए यहाँ पढ़ते? मुझे तो 3रा साल है। और मेरा कितने पढ़ते हो आप? फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर। पेपर कैसे हुए हैं? बड़े खराब हुए हैं। क्यों? नहीं आता था कुछ। क्यों नहीं आता? मैं सफाई करना दे। आंटी आंटी एक बार ऐसे स्माइल करो, स्माइल 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 होती क्या है? मुस्कुराहट, मुस्कुराना, मुस्कुराना, मुस्कुराना। बहुत ही प्यारी स्माइल है आपकी, बहुत प्यारी। चलो आपकी कोई नहीं, भी आपकी भी। चलो कोई नहीं, आपसे मिलकर बहुत आपके दांत कितने सुंदर हैं। हाय हाय इतना सुकून। बस 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 इधर कैसे हो? अच्छी है, बात ही नहीं कर रही है, डर रही है मेरे से लड़कियां। फाइनली दोस्तों अभी कॉलेज में इतनी धूप है ना, यहाँ पर इतनी धूप लगी है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और इधर अभी मैं अकेला हूँ, क्योंकि दो दोस्त थे मेरे वो चले गए हैं, और अभी तक कोई दोस्त ही नहीं आया, मतलब सभी के घर नज़दीक भी है और कईयों के रूम है इधर, और अभी तक कोई नहीं आया, वरना मैंने अभी बातचीत करनी थी लेकिन यहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं है। मैं बात करूँ तो किससे करूँ, और ऊपर से धूप इतनी है और गर्मी इतनी है ना, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ये देखो इधर अकेला हूँ मैं, कोई नहीं है मेरे साथ,
क्या करूं दोस्त, भी पता नहीं जब पेपर देने का टाइम होगा तभी पहुंचेंगे, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। चलो हेलो भैया, लास्ट एग्जाम है, कैसा लग रहा है? मतलब आज हमारा अंतिम दिन है कॉलेज का, कैसा लग रहा है? ये देखो एकदम उदास। मेरा लास्ट डे नहीं है। आपका एक और एग्जाम? नहीं, मेरे डीएमसी लेने की तैयारी ना। अच्छा, डीएमसी गुंडा है। लेकिन फिर भी लास्ट, मतलब लास्ट ही साल है, मतलब अब क्या करोगे आप? घर बैठना। घर बैठना, आ जाओ साहिल आप यहाँ। आप बता दो, अब हम घर बैठेंगे, घर बैठेंगे और मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। मतलब आपका क्या है साहिल, और मतलब अब लास्ट आपको कैसा लग रहा है? आज हमारा लास्ट एग्जाम है, मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं? नो इमोशन, नो इमोशन। और मतलब करोगे क्या आप इसके बाद? इसके बाद तो मैंने बीएड का बनाया है। बीएड कब है एग्जाम? 15 को। चलो कोई नहीं, फिर आना यहाँ पर देने। मतलब मिलते रहेंगे हम लोग। रहे। 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 चलो कोई नहीं, ऐसे ही मिलते रहना, ये नहीं कि बाद में भूल गए। नहीं नहीं भाई, नहीं भूल गए। भूल भी सकते, तेरे मेरा घर सामने। चलो कोई नहीं, अच्छा लगा आपसे मिल करके। और फाइनली दोस्तों, ये हमारा रूम, ये हमारे दोस्त साहिल, ये रहा रूम हमारा, एग्जामिनेशन हॉल। ये हुआ हॉल तो नहीं है लेकिन रूम है। ये हमारी दोस्त जो हमारे आगे होगी, ये देखिए। और ये रहा पीछे का व्यू। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही पूछती है मेरे से पीछे से, मैं इतना लाइक बच्चा हूँ। कुछ नहीं, तो फाइनली दोस्तों अभी हमारा एग्जाम हो चुका है और अभी मैं अपने दोस्त से पूछने जा रहा हूँ कि उसका एग्जाम कैसा हुआ है। तो आइए इससे मिलते हैं, कैसा हुआ आपका एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ। आज आपका लास्ट एग्जाम था? हाँ। लास्ट था ना, तो अब आप कॉलेज करोगे या क्या करोगे आप आगे, ये बताओ। मैंने अब बीएड का एंट्रेंस देना है। बीएड का एंट्रेंस, बीएड करनी है। चलो कोई नहीं, और ये इसे तो आप जानते ही होंगे। आ जाओ, आपका कैसा हुआ एग्जाम? मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, आप ही तो मेरे पीछे बैठे थे बताने के लिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, आपने किया जो भी किया। पर ये बताइए कि अब आपका आज मतलब लास्ट डे है कॉलेज का, तो कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा या बुरा कुछ तो होगा? तब तक अच्छा लगता है जब फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, उसके बाद फिर घर जाती हूँ तो याद आती है अपने कॉलेज की, ये ऐसी ऐसी मेमोरीज बनाई थी हमने। तो जैसे कि आज हमारा लास्ट पेपर है और बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये। ये तो है, ये तो है, रोना भी आ रहा है तो, थोड़ा थोड़ा। अभी मत रोना। तो करोगे क्या अब आगे, क्या करोगे मतलब, ये बता दो। आगे फिलहाल मैंने एमए करनी है म्यूजिक में। अच्छा, मतलब इनका संगीत तो आपने पहले भी सुना है, कितना प्यारा गाती है ये। तो चलो कोई नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फाइनली दोस्तों, आज एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया और मेरी शक्ल तो एकदम काली हो चुकी है, क्योंकि आज मेरा फास्ट है शनिवार का, इसलिए भूख से रहित होकर मेरी शक्ल एकदम काली हो चुकी है। और अभी मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, वो मुझे बुला रहे हैं, शायद चाय पिला दे इस गरीब को, तो क्या ही हो जाएगा। तो चलो यार, चलते हैं, एग्ज़ाम तो अच्छा हो गया एकदम। ये देखिए दोस्तों, बकरी की तरह पत्ते खाए जा रहा है। ये देखिए, अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। अब इसके पास कुछ खाने के लिए बचा नहीं है, पत्ते खाए जा। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पर अपने दोस्तों के साथ, और ये देखिए, ये गाना गा रहे हैं, सिंगर है एकदम। छोटा कर ले आए जलसी जलसी, हमारे भाई साहब एक और मिलते हुए। गाइस, हमारे सुनील भाई, खास आप बताओ, खास अपने मोहित भाई, खास होते हैं ये भाई। पेपर दिया, मेरा का पेपर आज संगीत। फाइनली दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं घर, घर के नीचे सड़क के वहां पर पहुंच चुका हूं, और आज कॉलेज का लास्ट डे था। सचमुच में बुरा तो बहुत ही लगा, क्योंकि वो कॉलेज के दिन याद आएंगे जो हमने मस्तियाँ की है। मतलब 3 साल ऐसे गुजर गए ना हमारे, जैसे कि ऐसे लगता है तो ज्वाइनिंग की थी हमने अभी कॉलेज में, लेकिन अभी एकदम सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब जो दोस्त थे सब अलग हो जाएंगे। और बुरा तो लग रहा है, बहुत ही बुरा भी लग रहा है, मतलब सैड वाली फीलिंग। पर चलो फिर भी लहरा ही लेंगे, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ एमए का एंट्रेंस देने, और अगर एमए का एंट्रेंस अब उन्हें निकाल लिया तो फिर से कॉलेज जाऊँगा। पहले अगर फेल हो गया ना
तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन अगर एमए का एंट्रेंस मैंने निकाल लिया ना तो फिर से मैं कॉलेज जाऊंगा। तो आई होप आपको मेरा ये एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।